हेलो, दिस इज़ डॉक्टर के एस ओलख। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है टू फाइट डायबिटीज़ एंड इवन वेट लॉस के लिए भी। जो लोग अपना वेट कम करना चाहते हैं, डायबिटीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ द बेस्ट टूल टू फाइट अगेंस्ट डायबिटीज़। सो इससे पहले कि हम इंटरमिटेंट फास्टिंग को समझें, ये किस टाइप्स की होती हैं, कैसे आप इसको कर सकते हो, उससे पहले एक बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए कि अगर आप पूरा एक दिन से 24 आवर्स कुछ नहीं खाते हो तो बॉडी में क्या चेंजेस आती हैं। चेंजेस रिगार्डिंग आपके ब्लड शुगर लेवल्स, चेंजेस रिगार्डिंग कि आपकी बॉडी उस टाइम पे ताकत कहाँ से ले रही होती है। सपोज़ आपने मील लिया रात को 8 बजे, सो 8 बजे से लेकर अगर मील लिया उसके अप टू 2 to 4 आवर्स, उससे 2-4 घंटे बाद, ये एक फ़ेज़ होता है जो अप टू 4 आवर्स, जिसको हम बोलते हैं अब्सॉर्प्टिव फेज़। यहाँ पे योर बॉडी इज डाइजेस्टिंग द फूड एंड अब्सॉर्बिंग द न्यूट्रिएंट्स। सो ये 4 घंटे तक रहता है। उसके बाद फेज स्टार्ट होता है, उसको बोलते हैं पोस्ट अब्सॉर्प्टिव फेज, एंड इट लास्ट फॉर अप टू 6 आवर्स। यानी कि 8 बजे आपने मील लिया तो सुबह 6 बजे तक, इसमें 2 फेज आते हैं। एक होगा अब्सॉर्प्टिव फेज जो 2 से 4 घंटे का होता है, और एक होता है अप टू 6 आवर्स का अब्सॉर्प्टिव फेज। सो उसके बाद एक्चुअली फास्टिंग स्टार्ट होती है। टेक्निकली स्पीकिंग फास्टिंग 6 बजे स्टार्ट होगी अगर आपने रात को 8 बजे मील लिया। अब अगर आप सपोज़ कोई टेस्ट कराना चाहते हो, आप ब्लड शुगर लेवल करा रहे हो या कोई पैकेज करा रहे हो, लैब में कोई टेस्ट करा रहे हो जो फास्टिंग में होते हैं, लाइक लिपिड प्रोफाइल हो गया, लिवर फंक्शन टेस्ट, अदर टेस्ट जो फास्टिंग में हम करते हैं, तो मोस्टली हम ये पोस्ट अब्सॉर्प्टिव फेज के कंप्लीट होने के बाद ये टेस्ट बोलते हैं। यानी कि आपने लास्ट मील से 10 आवर्स का गैप डालो तो आप टेस्ट करवाते हो। सो इसमें आपकी फास्टिंग स्टार्ट हो रही होती है। अगर आप सपोज़ रात को 8 बजे मील खाया तो सुबह आप ब्रेकफास्ट 10 बजे कर रहे हो, तो ये एक्चुअली फास्टिंग में आप 6 बजे से 10 बजे तक हो। सुबह 6 बजे से 10 बजे, 4 घंटे एक्चुअली आप फास्टिंग में बिताए। अगर आप अपना पहला मील 12 बजे ले रहे हो तो आपने सुबह 6 बजे तक जो 12 बजे का टाइम बताया वो एक्चुअली फास्टिंग है। अगर आपने आज रात को 8 बजे खाया और कल रात को 8 बजे खाना है तो आपका फास्टिंग फेज कितना होगा, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक। चलो इससे आगे हम डिस्कस करते हैं चेंजेस क्या आती हैं। अगर आप कुछ नहीं खा रहे हो तो क्या चेंजेस आएंगे बॉडी में ब्लड शुगर वाइज, एंड एनर्जी बॉडी कहाँ से ले रही होगी, आपके मसल्स, आपके हार्ट। अब अगर कोई 8 बजे खाना खा रहा है तो से अराउंड आफ्टर 12 बजे तक उसकी शुगर के लेवल्स ऑलमोस्ट जहाँ से उसने स्टार्ट किया होता है वहीं तक आ जाते हैं। सो हम इसको बोलते हैं नॉर्मल जो शुगर लेवल्स होंगे, बॉडी वो 80-90 mg/dL मेंटेन करना शुरू कर देती है। और आफ्टर 4 आवर्स आपके इंसुलिन लेवल्स भी डाउन होना शुरू हो जाते हैं। अगर इंसुलिन लेवल्स डाउन होते हैं तो इंसुलिन इज़ ए एनाबॉलिक हार्मोन, ये स्टोरेज करता है, ये आपकी एक्सेस एनर्जी को स्टोर करता है, ये फैट बनाता है, फैट स्टोर करता है। अब आपने खाया नहीं, लास्ट मील का आपको 4 घंटे हो गए, तो इसका मतलब आपके इंसुलिन लेवल्स लो होने शुरू हो जाएंगे, आपकी शुगर लेवल्स वापस नॉर्मल आ चुके होंगे। सो इस फेस में आपका एक और हार्मोन होता है ग्लूकागोन, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। और ग्लूकागोन इज़ नॉट लाइक इंसुलिन, ये तोड़ता है, ये ब्रेक डाउन करता है, ये कह रहा है कि भाई अब इस बॉडी को कुछ नहीं मिलने जा रहा और मैं इसको जो स्टोर किया हुआ है वो उसको यूज़ करूँ, ब्रेक डाउन करूँ और बॉडी में ब्लड शुगर को मेंटेन करके रखूँ, ये ग्लूकागोन का काम है। सो फर्स्ट 12 आवर्स में क्या चेंजेस आती हैं, उसके बाद नेक्स्ट 12 आवर्स में क्या चेंजेस आती हैं। सो फर्स्ट 12 आवर्स में जो से आफ्टर 4 आवर्स प्रीवियस मील जो आपने लिया है उससे 4 घंटे बाद आपके जो ग्लूकागोन लेवल है वो बढ़ने लगते हैं। और जो सबसे पहले शुगर जो मेंटेन करने के लिए ग्लूकागोन करता है वो आपके जो लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर होती है ना उसको ब्रेक डाउन करता है और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। और ये ग्लूकोज अब उस ब्लड शुगर को मेंटेन करके रखेंगे, एक नंबर, और दो नंबर आपके RBC जो ग्लूकोज पे चल रहे हैं, ब्रेन जो ग्लूकोज पे चल रहा है, ये श्योर होगा कि उनको सप्लाई ग्लूकोज की मिलती रहे। और कहाँ से मिलेगी फर्स्ट 12 आवर्स में, मोस्टली फ्रॉम द ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन, वो ग्लाइकोजन जो आपके लिवर में स्टोर है। नॉर्मली ये
ग्लाइकोजन है जो इसका स्टोरेज है अप टू 12 टू 24 आवर्स, डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन, उसका लास्ट मील कैसा था, उसका वेट कैसा है, डिपेंड करता है। और मोस्टली ये 12 से 24 घंटे तक चलती है जो लीवर में ग्लाइकोजन बकेट है। अगर रात को 8 बजे मील लिया और सुबह 8 बजे तक ये आपका ग्लाइकोजन जो स्टोरेज है ऑलमोस्ट एम्प्टी होना शुरू हो जाता है। बट अब अभी बॉडी को ब्लड ग्लूकोज मेंटेन करके रखना है, वो लिवर ये पार्ट प्ले कर रहा है, और आपको आपके आरबीसीज को, आपके ब्रेन को ग्लूकोज की कंटिन्यू सप्लाई मिलती रहे ये भी लिवर एश्योर करता है। पहले 12 घंटे में तो ग्लाइकोजन से मिल रहा था जो लिवर में स्टोर था। अब आगे सपोज आप कुछ नहीं खा रहे हो, फास्टिंग में चल रहे हो, आपकी फास्टिंग 7 बज गया, 8 बज गया, सुबह के 10 बजे बज गए, या काफ़ी लंबा समय चल रहा है आपने खाया कुछ नहीं। सेकेंड उसके बाद अब ग्लाइकोजन तो नहीं है पर ब्लड शुगर तो मेंटेन करना होगा, आरबीसी को भी ग्लूकोज देना होगा, ब्रेन को भी चाहिए। सेकेंड जो इसके बाद आता है वो आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होती है? इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज लाइक प्रोटीन्स एंड फैट्स। अभी क्या होगा, जब 12 घंटे बाद ग्लाइकोजन की स्टोरेज ख़त्म होने लगती है तो ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट होती है ताकि ब्लड शुगर मेंटेन रहे और ब्रेन और आरबीसीज को ग्लूकोज मिलता रहे। कहाँ से आती है वो सोर्सेज क्या है इसके, जहाँ से लिवर इसको कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में? आरबीसी जब ग्लूकोज यूज़ करते हैं तो हम उसको बोलते हैं एनरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। आरबीसी क्या करते हैं, ग्लूकोज का लैक्टेट बन जाता है और वो लैक्टेट लिवर के पास वापस आता है और लिवर उस लैक्टेट को थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और ये ग्लूकोज काम आता है ब्लड शुगर को मेंटेन करने के लिए, और ये ग्लूकोज काम आता है फॉर ब्रेन एंड आरबीसी। एक नंबर। दो नंबर, जब आपके इंसुलिन लेवल्स कम होते हैं और ग्लूकागन बढ़ने लगता है, ठीक है हमने बात कर ली कि ग्लूकोज चाहिए आरबीसी को ब्रेन को, बट बाकी टिश्यूज भी तो हैं, वो क्या करें? जब इंसुलिन कम होती है और ग्लूकागन बढ़ता है तो जो फैट होती है सबक्यूटेनियस फैट जस्ट बीनीथ द स्किन जो होती है फैट, वो ग्लूकागन उस फैट को ब्रेक डाउन करता है। उस फैट जो स्टोर्ड फॉर्म है उसको ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं, और जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं जब ब्रेक डाउन होता है तो उसमें निकलते हैं फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। जो फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारे बॉडी के अदर टिश्यूज लाइक मसल्स, इवन हार्ट, वो यूज़ करते हैं एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। दे कैन यूज़ फैटी एसिड एज ए सोर्स ऑफ फ्यूल। बट जो साथ में निकलता है ग्लिसरॉल, ये फिर लिवर के पास जाता है और लिवर उस ग्लिसरॉल को भी थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। एक लैक्टेट आया था उसको भी ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस। अभी क्या आ रहा है? अभी आ रहा है ग्लिसरॉल जो निकला है ट्राइग्लिसराइड से, जिसमें दो चीज़ें निकली थी, फैटी एसिड्स निकले थे जिसको बॉडी के अदर टिश्यू यूज़ कर रहा है एनर्जी पर्पस के लिए, और ग्लिसरॉल निकला था जो लिवर के पास जाएगा, लिवर उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। 12 घंटे के बाद ग्लूकोज लेवल कौन मेंटेन कर रहा है? लैक्टेट से ग्लूकोज, ग्लिसरॉल से ग्लूकोज, और एक पार्ट और है तीसरा। अब जब मसल्स फैट को यूज़ करते हैं, फैटी एसिड्स को यूज़ करते हैं, तो एक जो इसका प्रोडक्ट निकलता है उसको बोलते हैं एसिटाइल कोए, जो आगे जाके हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। जब एक्सेस ऑफ एसिटाइल कोए बनता है तो ये इसका जो प्रीवियस मॉलिक्यूल होता है पाइरूवेट, वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। पाइरूवेट से एक अमीनो एसिड बनना शुरू हो जाता है, उसको बोलते हैं एलानिन। ये एलानिन भी लिवर के पास जाएगा, रिमेंबर अप टू 24 आवर्स, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, अप टू 24 आवर्स। अगर आप कुछ नहीं खा रहे हो तो आपके मसल ब्रेक डाउन नहीं होते हैं। ये जो अमीनो एसिड एलानिन आ रहा है ये आपके मसल ब्रेक डाउन से नहीं आ रहा, जो ये फैटी एसिड्स जिसको हम ट्रांसमाइनेशन प्रोसेस बोलते हैं, ये पाइरूवेट से एलानिन बन रहा है और ये जा रहा है लिवर के पास और लिवर इसको फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। तीन सोर्सेज कौन से हो गए? ग्लूकोनियोजेनेसिस से, जहाँ से लिवर ग्लूकोज बना रहा है, लैक्टेट आ रहा है, ग्लिसरॉल आ रहा है और एलानिन आ रहा है। अप टू से ये तो आप अगर 5-6 दिन भी नहीं खाते हो ये चीज़ें तो ग्लूकोज से बनता रहेगा। मैं अभी डिस्कशन कर रहा हूँ अप टू 24 आवर्स। 24 आवर्स के बाद मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप ना खाओ, दैट इज़ एक्चुअली
प्रोलॉन्ग फास्टिंग, और इसको हम स्टार्वेशन भी बोलते हैं. अभी मैं उस टॉपिक पे नहीं आने वाला हूँ, अभी जस्ट हम 24 आवर्स की बात करने जा रहे हैं. सो पहले 12 आवर्स से हमने ग्लाइकोजन से ग्लूकोज लिया, नेक्स्ट 12 आवर्स से हम कहाँ से ले रहे हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस से. और साथ में साथ ये तो ग्लूकोनियोन से जो ग्लूकोज ले रहे हैं ये आपकी ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन कर रहा है, समझो इस बात को. और ताकि आप हाइपोग्लाइसीमिया में ना जाओ, ग्लूकोज लेवल मेंटेन होंगे, लिवर ग्लूकोज डाल रहा है. और ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है, फर्स्ट 12 आवर्स ग्लाइकोजन से आ रहा है, नेक्स्ट 12 आवर्स ग्लूकोनियोजेनेसिस फ्रॉम लैक्टेट, ग्लिसरॉल एंड एलानिन. अब इसके बाद जब 4 घंटे के बाद ये सब चल रहा है, साइड बाय साइड आपकी फैट ब्रेक डाउन भी हो रही है. अब जो लोग इंटरेस्टेड हैं अपना वेट कम करना चाहते हैं, तो कितना एक नेचुरल तरीका है कि बॉडी जो आपने स्टोरेज किया हुआ है वो भी यूज़ हो रहा है. अगर आप फ्रीक्वेंट ईटिंग करते हो, बार बार खाते हो, स्नैकिंग इन बिटवीन द मील्स, तो ये सारा पार्ट रुक जाता है, आप अपनी फैट बर्न नहीं कर सकते. सो इंटरमिटेंट बेस्ट फास्टिंग इज द बेस्ट वे जहाँ पे आप अपनी फैट को बर्न कर रहे हो. क्यों बर्न कर रहे हो? अरे सिंपल लॉजिकल है, आप अपने इंसुलिन लेवल्स लो है बिकॉज आपने कोई खाना नहीं खाया, आपके ग्लूकागोन लेवल्स अप हैं बिकॉज आपने आप फास्टिंग फेज में हो, तो आप अपना जो फ्यूल स्टोर्ड है बॉडी में अब उसको आप यूज़ कर रहे हो. सो ये किन लोगों के लिए बेटर है ये फेज? उन लोगों के लिए जो इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं, जिनके इंसुलिन लेवल्स हाई होते हैं. जो इंसुलिन लेवल हाई होते हैं तो वो फैट बर्न नहीं कर पाते, फैट को कम करने में, वेट को कम करने में उन्हें मुश्किल आ रही है. सो इंटरमिटेंट फास्टिंग उनके लिए बेस्ट है. ये मैंने जो 24 आवर्स का बताया आपको, जस्ट ये जानने के लिए कि बहुत लोग बोलते हैं अरे यार फ्रीक्वेंट ईटिंग चाहिए, हर 2-3 घंटे बाद मील चाहिए. अरे साइंस क्या कहती है, हर 2-4 घंटे बाद मील ले रहे हो आप, ग्लूकोज आएगा ब्लड में, इंसुलिन भी आएगी, तो आपके इंसुलिन लेवल्स बढ़ने लगेंगे. जब इंसुलिन लेवल बढ़ते हैं यू कांट बर्न फैट. और अगर आप काफ़ी देर हाई इंसुलिन लेवल्स पर रहते हो दैट क्रिएट्स स्टेट कॉल इंसुलिन रेजिस्टेंस. अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करना है, डायबिटीज़ को रिवर्स करना है, तो सबसे पहले आपके अपने इंसुलिन लेवल्स को लो करना होगा ताकि आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी फिर बहाल हो सके. सो ये पार्ट. अब इंटरमिटेंट फास्टिंग में बात करते हैं कैसे आप इसको कर सकते हो. अगर रात को 8 बजे मील खाया आपने, तो सुबह 8 बजे अगर आप अपना मील ले रहे हो, दैट इज़ एक्चुअली 12 आवर्स का वो गैप पड़ गया. चलो हम इसको बोलते हैं फास्टिंग में, फास्टिंग एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ 2 घंटे की है. 6 बजे तक मैंने बोला आपको पोस्ट ऑब्जॉर्प्टिव फेज है, तो 6 से 8 2 घंटे आपने एक्चुअली फास्टिंग में स्पेंड किया टाइम. सो अगर आप ये इसको हम 12 आवर्स टू 12 आवर्स करते हैं, मीन्स 12 घंटे का होगा जहाँ पे आपका फास्टिंग फेज होगा, मीन्स आप कुछ नहीं खा रहे हो, और 12 घंटे का आपका ईटिंग विंडो पीरियड होगा जहाँ पे आप कुछ खाओगे. तो आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो, 14-10 कर सकते हो, मींस 14 घंटे आप फास्टिंग में रहोगे जहाँ पे आप कुछ नहीं खाओगे, 10 घंटे आप ईटिंग विंडो पीरियड होगा जहाँ पे आप खाओगे. ऐसे इसको आप बढ़ा सकते हो, 16-8 कर सकते हो. सो ये डिपेंड करता है आपके से कितने इंसुलिन रेजिस्टेंट हो, और कितने आप अगर वेट लूज़ करना चाहते हो तो ये फेज़ आप अकॉर्डिंगली कर सकते हो. मेरी एडवाइस यही होगी, यू स्टार्ट विद स्लो 12 आवर्स 12 आवर्स, इसके बाद आप देखो जितना आप बढ़ा सकते हो बढ़ाते जाओ. ताकि शुरू शुरू में मुश्किल क्या होती है कि इंसुलिन रेजिस्टेंट लोगों को, कि ये बहुत हंग्री फील करते हैं, दैट इज़ ये कॉमन है, आपके इंसुलिन लेवल्स हाई होते हैं. तो यहाँ पे आप अगर आप 1 महीना 2 महीने करोगे ना, तो आपको इतना ज़्यादा भूख नहीं लगेगा, मतलब आपकी बॉडी अडेप्ट हो चुकी होगी. दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग यू स्टार्ट विद स्लो. अगर आपको इरिटेबिलिटी हो रही है, हेडेक हो रही है, यू फील स्लीपी, तो इसका मतलब ये है कि आप यू आर इंसुलिन रेजिस्टेंट. सो इस केस में क्या हम करते हैं, 12-12 घंटे से स्टार्ट करते हैं, देन आप उसको 14-10 भी कर सकते हो. सो मेन टॉपिक अब आता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे हेल्प करती है, जो मैं काफ़ी हद तक बता भी चुका हूँ. ये स्पेशली डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़, इंसुलिन रेजिस्टेंट लोगों के लिए, और जो अपना वेट कम करना चाहते हैं. सो सिंपल साइंस क्या है इंटरमिटेंट फास्टिंग के पीछे, कि जब आप फेस लंबा करते हो जहाँ पे आप कुछ नहीं खाते हो, और क्या क्या चेंजेस आती है वो मैं डिटेल में बता चुका हूँ. अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो और जो फास्टिंग वाला फेज है उसको लंबा करते हो, तो आपके इंसुलिन लेवल्स डाउन होने शुरू होते हैं और ग्लूकागोन के लेवल अप होने शुरू करते हैं. और ग्लूकागोन जो आपका जो स्टोरेज है उसको ब्रेक डाउन करता है, जो हम चाहते हैं. अगर आपने वेट कम करना है तो यू हैव टू बर्न फैट ना, तो मोस्टली जो हमारी एनर्जी स्टोर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ फैट होती है, नॉट इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन.
सारी फैट के रूप में है। और अगर वेट कम करना है तो क्या करना होगा, आपको फैट को कम करना होगा। फैट कम कैसे होगी, यू हैव टू बर्न फैट, और फैट को बर्न करने के लिए क्या करना होगा, आपके इंसुलिन लेवल्स लो होने चाहिए। तो वो लोग कैसे होंगे, अगर आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करोगे, यानी कि आप एक मील से दूसरे मील में अपना गैप बढ़ाओगे। और क्या चेंजेस आती हैं वो मैं बता चुका हूँ। वेट कम करने के लिए हो गया, और सेकंड डायबिटीज़ लोग जिनको डायबिटीज़ है या प्री डायबिटीज़ है, जो लोग इंसुलिन रेजिस्टेंट हैं। तो अब इंसुलिन रेजिस्टेंट क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंट में जब आपकी इंसुलिन काम नहीं कर रही होती तो इसमें हम हाई इंसुलिन लेवल्स देखते हैं, स्पेशली इन द अर्ली स्टेज ऑफ डिजीज़, चाहे वो प्री डायबिटीज़ डायबिटीज़ में हम देखते हैं कि इंसुलिन लेवल्स हाई होते हैं। अब अगर आपके इंसुलिन लेवल्स हाई हैं तो उस स्टेज में आप बर्न नहीं कर सकते हो फैट। उस केस में आपकी रेजिस्टेंस, अगर आप फ्रीक्वेंट ईटिंग लेते हो, स्पेशली कार्ब्स भी बार बार लेते हो, तो और इंसुलिन आती है, तो आपके इंसुलिन लेवल और बढ़ने लगते हैं, रेजिस्टेंस और बढ़ने लगती है। अब अगर मैं इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करना चाहता हूँ तो मुझे इंसुलिन का एक्सपोजर कम करना होगा। तो उसके लिए मेरे पास दो ही रास्ते हैं। पहला रास्ता है तो मैं रिफाइंड कार्ब्स ना लूँ, तो उसमें क्या होगा, ग्लूकोज नहीं निकलेगा तो इंसुलिन भी कम आएगी। और सेकेंड है अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग, अगर मैं गैप ज़्यादा बढ़ा देता हूँ तो खाता नहीं हो तो मेरे इंसुलिन लेवल्स ऑटोमेटिकली डाउन होने शुरू हो जाएंगे। ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को रिवर्स करने के लिए बेस्ट टूल साबित हो सकता है। आज हमने इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में जाना, ये जाना कि अगर आप 24 आवर्स कुछ नहीं खाते तो क्या क्या बॉडी में चेंजेस आती हैं, और कैसे ये हेल्प करती है आपको टू फाइट डायबिटीज़ एंड वेट लॉस करने के लिए। थैंक यू।